पश्चिमी चंपारण जिले के अधिकांश गांव में देखा गया है कि भारत सरकार की बहुत सारी योजनाएं लोगों को सुविधा प्रदान करने के बजाय अभिशाप सा बन गया है, जिसमें मुख्य तौर पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत बनाए गए राशन दुकान प्रखंड गवनाहा के पंचायत रुपुलिया के 6 गांव में मात्र 3 राशन दुकान है, जिसमें रुपुलिया ग्राम के लिए और सिमरी गाँव के लिए 2 राशन दुकान है। बाकी ग्राम सरफरवा, हरकटवा, तारबुसरिया और डुमरी गांव के लगभग 6,500 लोगों के लिए मात्र एक ही सरकारी दुकान है। ग्राम तारबुसरिया डुमरी राशन दुकान से करीब 3 किलोमीटर दूर पर हैं, जो लोगों के लिए 3 सालों से हर महीने आकर राशन ले जाना पड़ रहा है। रोड साथ उस पर आरोप लगा, ISDO जो है उसका लाइसेंस बंद कर दिया, उसके बाद यहाँ से डिलरी सेमरी डुमरी गांव में चला गया। लोगों को राशन किराशन लाने में कठिनाई होती है। हमको दिक्कत यही है कि मतलब कि घर पे नहीं रहते मालिक, तो मतलब राशन नहीं ला पाते हैं दूर, मतलब हम लोग के गांव से दूर मतलब राशन डिलरी है, जिसके कारण नहीं आ पाता है। कोई अगर बच्चा रहता है तो लाता है, नहीं रहता तो नहीं ला पाता है। एवरा घर में पलवा रही तो जाए ले होगा के दूसरा के तीसरा के निहोरा कोई लेता था, कोई लिया वाला कोई ना लिया वाला, तो वही रह जाए। पैदल आवो तो जात घामा में जरत जाल जला, जरत आल जला, कोई इतना कोई बैठाई ना, कोई के दौ ले लिया तो कोई ना लिया, जगह पलवार में जाके ले आई आना तमने के ना सकल तो बस छूट जाए ना आई राशन। आ वहाँ गोला पर डीलर से कबो भेंट हो कबो ना हो, आ गोला पर तो टेणिए धरी है ए बेरा ना वो बेरा बस घूम के आओ लाई फेन दूसरी बेरा जाए ले। मैं चाहती हूँ कि हर गांव में राशन दुकान खोला जाए ताकि लोगों का समय बचत हो, जिसके लिए SDO का मोबाइल नंबर है 94 73 19 12 98। इस नंबर पर कॉल करके दबाव बनाएं। मैं तंजू पश्चिम चंपारण बिहार से इंडिया अनहर्ड के लिए।